इंस्पेक्टर साहब, काजल और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। करीब 2 महीना पहले हम लोग पढ़ने के लिए दिल्ली गए। वहां पर काजल बहुत खुश थी, हमारी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी जा रही थी। वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और मैं अपने हॉस्टल में। फिर कुछ दिनों के बाद दीपावली के महीने में मेरे घर से बुलावा आया। मैंने सोचा कि काजल को भी कहता हूँ घर चलने के लिए, लेकिन पता नहीं काजल उस दिन बहुत उदास थी, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर चूंकि मैं अपने रूम की चाबी बार बार भूल जाता था, इसलिए मैंने अपने रूम की चाबी काजल को दी और फिर अपने घर चला आया। घर पे एक हफ्ते की छुट्टी बिताने के बाद जब वापस अपने रूम पे गया और रूम का दरवाजा खोला, तो उसमें काजल की लाश थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत घबरा गया। मैंने आनंद फानंद में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया, लेकिन घंटी पे घंटी बजती रही साहब, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहां से भागकर अपने घर चला आया। और जैसे ही घर आया तो कुछ घंटे के बाद पता चला कि पुलिस मुझे खोज रही है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। काजल को जिसने भी मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। आई स्वेयर।